Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sameer and in this video we will be talking about the rebirth of Tata Motors. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे 2016 में जो कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी वो आज इंडिया की नंबर 3 ऑटोमेकर है. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स ने इंडिया में लॉन्च किया, किस तरह से टाटा मोटर की इंडिया में हिस्ट्री रही और 2016 के बाद में ऐसे क्या की चेंजेस हुए जिनके वजह से आज टाटा मोटर इंडिया की नंबर 3 ऑटोमेकर है. और इस वीडियो में अगर आप टाटा मोटर की कोई गाड़ी ओन करते हो या टाटा मोटर के स्टॉक्स ओन करते हो तो इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव टाटा मोटर के क्या प्लान्स है और किस हिसाब से टाटा मोटर आगे बढ़ रहा है. तो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम टाटा मोटर के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. 1945 में टाटा मोटर ने इंडिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया. 1945 में टाटा मोटर पहले जो कमर्शियल व्हीकल थे जैसे बसेस, ट्रक्स, इनका बिजनेस करती थी. 1990 में टाटा मोटर्स ने अपना फर्स्ट व्हीकल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, वो है टाटा सियेरा. टाटा सियेरा के अच्छे डिमांड से, अच्छे कस्टमर फीडबैक से 1992 में टाटा ने दूसरी अपनी गाड़ी लॉन्च की, वो थी टाटा इस्टेट. टाटा इस्टेट के बाद में 1998 में टाटा ने अपनी आइकॉनिक गाड़ी लॉन्च की, वो थी टाटा सफारी और टाटा इंडिका. अब सफारी जो उस टाइम पे लॉन्च हुई थी उसमें 4x4 का ऑप्शन उन्होंने दिया था जिससे कस्टमर में इसके बारे में ज़्यादा हाइप बनी हुई और ये गाड़ी सक्सेसफुल रही. अब टाटा इंडिका जो साथ में लॉन्च हुई थी जो कि अपने कस्टमर फीडबैक के वजह से, नेगेटिव कस्टमर फीडबैक के वजह से थोड़ी उस दिन उस टाइम पे पिट गई और वो उतनी नहीं चली. अब टाटा में, टाटा के इंडियन मार्केट में एग्जिस्टिंग 4 मॉडल्स थे जिसमें था टाटा सियेरा, टाटा इस्टेट, टाटा सफारी और टाटा इंडिका. बट उस उतने में टाटा का जो ग्रोथ था, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा था और ऑलमोस्ट 17% इंडियन शेयर टाटा के पास चले गए थे. यानी इंडियन ऑटोमेकर जितने भी थे उसमें से 17% गाड़ियाँ टाटा की चल रही थी. अब उस टाइम पे टाटा के जो गाड़ियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इंडियन ऑटोमेकर होने की वजह से टाटा अपने गाड़ियों में उतनी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता था जिसके वजह से टाटा के गाड़ियों में आपको रिफाइनमेंट नहीं मिलता था. तो इसलिए टाटा फोर्ड के पास गया तो फोर्ड ने टाटा को क्लियरली मना कर दिया कि हम आपकी इस चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे. तो 2008 में टाटा के लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया मिस्टर रतन जी टाटा ने. उन्होंने जो JLR बिजनेस था यानी जगवार एंड लैंड रोवर, जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी, तो वो कंपनी टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स से परचेस कर ली. अब देखिए जिस फोर्ड मोटर के पास टाटा हेल्प मांगने के लिए गया था 2002 में, उसी कंपनी से ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुई JLR मोटर टाटा ने खरीद ली. तो बट हाँ, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट था. अब टाटा जो यूजुअली गाड़ियाँ बेचता था वो यूजुअली गाड़ियाँ रहती थी 7 से 10 लाख के बीच में, बट JLR जो गाड़ियाँ बेचता था वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ थी. JLR एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर था और टाटा मोटर चलो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में चलता था. अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने JLR में पैसा डाला है, उन्होंने टाटा मोटर पे क्वेश्चन किया कि क्या आप इसको संभाल पाओगे क्योंकि आपको उतने एक्सपर्टाइज नहीं है, आप छोटे गाड़ियों का सेगमेंट देखते हो, आप सस्ती गाड़ियों का सेगमेंट देखते हो, इतनी बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियों का मार्केट आप कैसे संभालोगे. फिर भी ये जो टसल मसल होने के बाद टाटा ने ये डील एक्वायर्ड कर ली, टाटा ने उसे खरीद लिया. जैसे जैसे टाइम जाते गया, 2008-2009 में टाटा एक कैश रिच कंपनी थी क्योंकि टाटा का रेवेन्यू अच्छा था, जितने भी एग्जिस्टिंग टाटा की मॉडल्स थी उनका मार्केट में फ्लो अच्छा था, मार्केट में लोग उन्हें पसंद कर रहे थे और गाड़ियाँ भरपूर बिक रही थी. बट जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, टाटा ने जो मॉडल्स लॉन्च किए उसमें से सबसे पहले मॉडल था टाटा नैनो, जो ऑलमोस्ट 2009-2010 में टाटा ने लॉन्च किया था, जो मार्केट किया गया था मोस्ट चीपेस्ट व्हीकल. बट ये जो मार्केटिंग कैंपेन था टाटा नैनो का वो मिजरेबली फेल हो गया और टाटा नैनो एक टाटा का फ्लॉप प्रोडक्ट बन गया. उसके साथ ही साथ में टाटा अराई, टाटा मांजा, ये टाटा ने कुछ गाड़ियाँ लॉन्च की थी.
अब अराई जब टाटा ने लॉन्च की थी उस टाइम पे, ये ऐसी पहली MPFI गाड़ी थी इंडिया में जो 4x4 का ऑप्शन दे दी थी। साथ ही साथ में टाटा मांजा भी उन्होंने लॉन्च की, बट ये सारी की सारी गाड़ियाँ टाटा की फ्लॉप हो गई। अब जैसे जैसे टाइम जाते गया, वैसे वैसे टाटा का जो मार्केट शेयर है वो 17% में जो था 2000-2001 के बीच में, वो कम आते आते 4% तक चला गया। यानी 15 साल में टाटा ने ऑलमोस्ट 400% का मार्केट शेयर खो दिया था। अब उस टाइम पे ये न्यूज़ भी आ रही थी कि टाटा मोटर अपना इंडिया का ऑपरेशन टोटली क्लोज कर दे। उसी टाइम पे ये न्यूज़ को आग लगाने का काम किया शेवलेट्स ने। शेवलेट्स उसी टाइम पे इंडिया को उसने छोड़ दिया था, इंडिया से टोटली ऑपरेशन बंद कर दिया था। तो उसी टाइम पे टाटा के जो सीईओ थे, एग्जिस्टिंग सीईओ थे 2015 में कार्ल स्लिम, उनको टाटा मोटर ने रिप्लेस किया गंतर बुचेक से। तो इन्होंने क्या किया, जो भी टाटा के मेन प्रॉब्लम थे उन्हें समझा। अब टाटा के जो बेसिक पिलर्स थे वो थोड़े वीक थे, तो उन्होंने समझा कि टाटा का सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। और आपने तो बहुत न्यूज़ भी देख ली होगी कि टाटा के सर्विस सेंटर में किसी कस्टमर ने अगर झगड़ा कर दिया तो वो कस्टमर को पीट भी देते थे, इतना ज़्यादा टाटा के सर्विस सेंटर में इशू होने लगा था उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए जो नए सीईओ थे उन्होंने क्या किया, टाटा के ये कोर बेस को चेंज करना चालू किया। टाटा का जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म था टाटा एक्स, उनको रिप्लेस किया उन्होंने दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से। उसमें था एक ओमेगा आर्क और दूसरा था अल्फा आर्क। अब ओमेगा आर्क और अल्फा आर्क ये उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन करवाया था जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा सेफ कार बने। अब 2016 एक क्रूशल ईयर था टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका मार्केट शेयर कम हो गया था। टाटा मोटर के ऊपर JLR के वजह से जो डेप्थ थे वो डेप्थ बढ़ चुके थे। तो इसीलिए उस टाइम पे टाटा मोटर ने एक आइकॉनिक गाड़ी लॉन्च की थी जो हम ऐसे बोल सकते कि टाटा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, वो थी टाटा नेक्सॉन। अब टाटा नेक्सॉन इंडिया में टाटा की सबसे छोटी कॉम्पैक्ट SUV थी। अब इंडिया में 2015-2014 से जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट था वो फास्ट ग्रो कर रहा था, जिसमें मारुति विटारा ब्रेजा, फोर्ड इको स्पोर्ट इस जैसे मार्केट लीडर ऑलरेडी उस सेगमेंट में थे। तो उन्हें कॉम्पीट करने के लिए इन्होंने टाटा नेक्सॉन लॉन्च की थी। तो टाटा नेक्सॉन जब लॉन्च हुई थी उस पीरियड में टाटा नेक्सॉन की डिमांड उतनी नहीं थी, साथ ही साथ बट हाँ ये गाड़ी फ्लॉप भी नहीं हुई थी, क्योंकि टाटा के जो पुराने मॉडल्स थे उस तरह से ये गाड़ी फेल भी नहीं हुई थी। उसी साथ टाटा ने टाटा टियागो भी लॉन्च किया। अब टाटा टियागो का भी डिमांड इंडियन मार्केट में उस टाइम पे 2016-2017 में अच्छा खासा था। और देन उन्होंने लॉन्च किया टाटा हेक्सा। अब टाटा हेक्सा टाटा नेक्सॉन और टियागो की तरह नहीं चल पाया, क्योंकि दिखने में वो ओल्ड था, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटर जो थे टाटा हेक्सा के सेगमेंट के वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर देते थे गाड़ियों में, साथ ही साथ में उनमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी जो आपको टाटा हेक्सा में नहीं मिलती थी। 2017-2018 में उन्होंने हैरियर लॉन्च की थी। इनिशियली जब हैरियर लॉन्च हुई थी तो इनिशियली हैरियर में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। चलो वो सेफ्टी के कंसर्न के बारे में अगर हमने देखा जाए तो टाटा के न्यू प्लेटफॉर्म के वजह से, जो उन्होंने ओमेगा और अल्फा आर्क नया प्लेटफॉर्म डाला था उसके वजह से टाटा सेफ्टी में तो चलो आगे था, बट इलेक्ट्रॉनिक फीचर और बाकी चीज़ों में टाटा पीछे रह गया था 2017-2018 में। तो देन नेक्सॉन का नया वर्जन लॉन्च हुआ, हैरियर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ, और धीरे धीरे टाटा का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगर आप देखोगे 2018, 2019 और 2020, तो पहले जो 10 टॉप सेलिंग कार्स है सीडान में, SUV में, कॉम्पैक्ट SUV में, इनमें टाटा की गाड़ियों का नंबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। देन 2020 में टाटा अल्ट्रोज लॉन्च हुई, और टाटा अल्ट्रोज लॉन्च करते समय जैसे ही टाटा अल्ट्रोज लॉन्च हुई तो इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक उसे माना जाता है अभी भी। उसने 5 स्टार रेटिंग स्कोर की। टाटा टियागो ने भी एक छोटी सस्ती गाड़ी होकर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पास किया। नेक्सॉन ने भी 5 स्टार रेटिंग स्कोर की। तो सेफ्टी की वजह से टाटा का जो सोशल मीडिया हाइप था
सोशल मीडिया हाइप बनने लगा। अब अगर आज भी आप देखते हो सोशल मीडिया पे, जब भी आप सर्च करोगे तो टाटा की जितनी भी गाड़ी है उनके रिलेटेड अगर एक्सीडेंट की कोई न्यूज़ आई तो वहाँ पे यही लिख के आता है कि टाटा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और इतने लोगों की जान बची। अब वही अगर किया ह्यूंडई और मारुति का आप देखते हो तो वहाँ पे आपको मेजर सेफ्टी कंसर्न देखने को मिलते हैं। अब देखिए 2018 यानी प्री 2018 19 और 2020 ये 3 साल में जो टाटा मोटर का सेल था वो धीरे 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 बढ़ रहा है। अब आज की अगर आपने टाटा मोटर की कंडीशन देखी तो ऑलमोस्ट 70% जो इंडियन में ईवी व्हीकल्स हैं उसमें 70% मार्केट शेयर सिर्फ टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का है। तो आप अभी जान सकते हो कि इंडिया में करंटली जो ईवी का किंग बोल सकते हैं हम टाटा मोटर्स को। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ का जो व्हीकल सेल है उसमें मारुति नंबर 1 पे है। मारुति का जो मार्केट शेयर है वो है लास्ट मंथ का 1,29,000 गाड़ियों का। बट ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट -7.3 है। दूसरा नंबर है ह्यूंडई मोटर का जो है 44,000, वो भी पिछले साल के हिसाब से -15% है। और टाटा मोटर का अगर आप सेल देखोगे नंबर 3 स्पॉट पे वो ऑलमोस्ट है 41,000 जो कि पिछले साल से 51% ग्रो हुआ है। तो इतने स्पीड से टाटा मोटर ग्रो हो रहा है। और करंटली टाटा मोटर के मॉडल पोर्टफोलियो में सारी की सारी जो पेट्रोल गाड़ी है वो छोटी लॉन्च कर रहा है, वो सीएनजी में लॉन्च करने वाला है। हर गाड़ियों का उनका इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप अभी भी टेस्टिंग में चालू है और ऐसे बोल रहे हैं कि टाटा सियारा भी अभी इलेक्ट्रिक में आने वाली है और टाटा की हर सेगमेंट की जो गाड़ी है उसे वो इलेक्ट्रिक में देने वाले हैं। टाटा HBX, टाटा सियेरा, ये सारे के सारे गाड़ियों का लॉन्च आगे है ऐसे बोला जाता है। और इवन अगर हमने शेयर मार्केट में देखा जाए तो प्री कोविड यानी 1 जनवरी 2020 से कंपेयर करें तो टाटा मोटर के शेयर ने भी बहुत बड़ा जंप कर लिया। तो ये सारी चीज़ें टाटा मोटर के लिए एक पॉजिटिव साइन देती है। अभी हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर के शेयर प्राइस के बारे में। अब ये जो मैंने शेयर प्राइस आपके सामने लाए हैं ये इसका कंपैरिजन है प्री कोविड लेवल का शेयर प्राइस और करंट शेयर प्राइस, करंट यानी जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी उस हिसाब से। अब 1 जनवरी 2020 में मारुति सुजुकी का जो शेयर प्राइस था वो था 7,311 और आज का मारुति का शेयर प्राइस है 8,569 रुपये। तो अगर हमने ग्रोथ परस्पेक्टिव देखा तो ये ऑलमोस्ट 17% बढ़ा है, यानी 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल में ये 17% बढ़ा है। वही ह्यूंडई मोटर तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है तो हम ह्यूंडई मोटर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर प्राइस प्री कोविड में था, प्री कोविड लेवल में था 536 और आज के कंडीशन में वो है 852 जो कि 58% का जंप है 2 साल में। और टाटा मोटर की अगर बात करें तो टाटा मोटर का प्री कोविड का जो शेयर प्राइस था वो था 184 रुपीज़ और आज वो शेयर प्राइस है 493 रुपीज़ जो कि 168% अप है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन वो लोग टाटा पे बिलीव कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने इवन 500 रुपये के लेवल पे भी टाटा मोटर को ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों का टाटा मोटर पे भरोसा है। इवन टाटा का जो व्हीकल पोर्टफोलियो है वो भी स्ट्रांग दिख रहा है। टाटा की जो खामियां थी गाड़ियों में वो टाटा वालों ने ख़त्म कर दी है। टाटा का जो पहले नॉर्मल लुक था वो हटा के उन्होंने बोल्ड लुक लिया है जिससे जो यंग कस्टमर है ये यंग कस्टमर टाटा की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो गए हैं। तो ये रहा टाटा का रिबर्थ कैसे हुआ इस बारे में वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, कमेंट फॉर मोर सजेशन। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ खामियां थी तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अब ये जो भी डाटा मैंने उठाया है वो सारा का सारा इंटरनेट से उठाया है और इसे मैंने कंपाइल करके आपके सामने रखा है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह से कोई नए वीडियो बनाऊं तो वो भी सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।